दोस्तों ये हैं हमारे फ्रिल बैग, न्यू ब्रीड, साइज चेक करें जरा इनका। और ये पहला एग इन्होंने दिया है, मैं कोशिश करता हूँ कि नज़र आ जाए इसमें, लेकिन ये मादा ये उठ नहीं रही है। ये ज़रा साइज चेक करें इनका, ये देखें वो एग पड़ा हुआ है नीचे, शायद कहीं थोड़ा सा नज़र आया हो। ये उठ नहीं रहे अभी, मादा है। ये देखिए इनके साइज, और इनके साथ ये दूसरा पेयर माशाल्लाह से फुल हेल्थी है। ये देखिए साइज से करें इनका, असल में इसकी क्वालिटी इसके साइज से ही होती है और इसकी प्रमोजिंग से कि यार फ्रिल कितने गए उसके। कोशिश कर रहा हूँ, असल में जगह बड़ी कम है यहाँ पर दिखाने की आपको, कि इनके फ्रिल भी प्रॉपर नज़र आ सके। ये देखें इधर आजकल गुस्से में है क्योंकि जगह नहीं नहीं इन्होंने डिसाइड की है बैठने के लिए। ये देखिए इनके फ्रिल माशाल्लाह, बहुत अच्छा साइज चल रहा है इनका। और इसके अलावा जो हमारी इस ब्रीड का एक और पेयर है वो इस थर्ड खाने में, ये देखें इनका साइज भी चेक करें माशाल्लाह। ये है जी फ्रिल बैक, और ये तकरीबन ब्रीडर पेयर बन चुके हैं। पाँव की इनकी प्रमोजिंग चेक करें, देखें और बताइएगा ज़रूर, के कमेंट ज़रूर कीजिएगा यार। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग कमेंट्स करें और बताएं कि यार क्या बेहतर है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की कमी ज़रूर रह जाती है हमेशा, और इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए बेहतरी के लिए। ये देखें ये इनके साइज हैं, ये मैं ज़रा थोड़ा सा करीब से करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पाँव की प्रमोजिंग चेक करें इनकी, ये देखें और माशाल्लाह से अच्छा आ रहा है इनका रिस्पॉन्स हमें। और ये एक पीस सिंगल है मेरे पास, इसकी भी प्रमोजिंग चेक करें पाऊंगी। मेरे हिसाब में ये ज़रा थोड़ा सा छोटा रह गया, इसलिए फिलहाल इसको भी लेदर रखा हुआ। ये असल में फर्स्ट ब्रीड थी इनकी, यानी कि पहली दफ़ा में ब्रीड जो है ना, जो भी ये एग दें तो पहली ब्रीड कभी भी नहीं रखनी चाहिए, जो मेरा नज़रिया है। पहली जो इनके एग्स हों उनको ज़ाया कर देना चाहिए ताकि अगली दफ़ा में हेल्थी और अच्छे एग निकले। इन लोगों के साथ ये जो हैं जर्मन ऑल्स, इनके साथ भी मैंने हमेशा ऐसे ही किया। ये देखिए ये इन्होंने एग दिए हैं ऊपर, लेकिन ये इनके चौथी पांचवी ब्रीड है और ये इनकी तीसरी ब्रीड है। ये अंडों पे बैठा हुआ है नर, तो ये अभी पेयर जो है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है अंडों के लिए। ब्रीडर है बन चुका लेकिन अभी एग लेइंग के लिए तैयार नहीं है। क्रॉस ब्रीड ले रहे हैं इसके साथ एक मिक्स करके मादी को, लेकिन क्या बनता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट्स ज़रूर किया करें, उससे आगाही मिलती है कि क्या यार बेहतर हो सकता है। और ये पीछे आप इसमें देख रहे होंगे कि आर्च एंगल की ब्रीड है, ये जो पहले उस खाने में थी, अब मैंने इसको इस खाने में ट्रांसफ़र कर दिया
क्योंकि इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी। अब जो पीसीज हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये इनको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे ज़रा जगह खुली है, ये सही उड़ भी सकते हैं और प्रॉपरली ब्रीड भी कर सकेंगे। बीच में रेस्टर भी हैं और ये रेस्टर की ही साथ अब कुछ क्रॉस ब्रीड तैयार करने का प्रोग्राम बना है आर्च एंगल की। ये एक पीस अभी बच्चा है, चिक्स है, ज़रा बड़ा हो रहा है। अभी तीसरी कली में आई है जैकोबिन का।